राजस्थान में चुनावी रण में बिसात बज चुकी है। पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। मांडलगढ़ में इस बार चुनावी जंग टक्कर की नजर आ रही है। तो वहीं आज हम बात करेंगे बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा सीट। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। बायतू विधानसभा सीट में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बायतू विधानसभा सीट सबसे बड़ी एक तरफा जाट बाहुल्य सीट है, इसलिए यहाँ हमेशा से ही जाट समाज के प्रत्याशियों के सामने टक्कर देखी जाती है और इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहाँ जाट समाज के प्रत्याशियों को आमने सामने मैदान में उतारा है। बायतू से कांग्रेस ने हरीश चौधरी पर फिर से भरोसा जताया, तो वहीं भाजपा ने उम्मेदाराम का पत्ता काटते हुए बालाराम मूंड को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी 2018 में बायतू से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्होंने बीजेपी नेता उम्मेदाराम को 13,803 मतों के भारी अंतर के साथ हरा दिया था। 2018 विधानसभा चुनाव में उम्मेदाराम को 43,900 मत मिले, तो वहीं हरीश चौधरी ने 57,703 मत हासिल करके बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। बता दें कि बायतू विधानसभा सीट राजस्थान परिसीमन 2008 के बाद पहली बार अपने अस्तित्व में आई। 2008 के परिसीमन में तीन बड़ी पंचायत समितियां बायतू, गिड़ा और पटौदी को मिलाकर बायतू विधानसभा का गठन किया गया। बात करें चुनाव की, तो यहां 2008 से अब तक तीन बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस दो बार और बीजेपी एक बार जीत का परचम लहरा चुकी है। बात करें बायतू विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण के बारे में, तो बायतू विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,27,000 के आसपास है। बायतू विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है और साथ ही मेघवाल और राजपूत जाति के मतदाता भी यहां प्रभाव रखते हैं। यहां जाट वोटर्स की संख्या करीब 80,000 के आसपास है, तो वहीं मेघवाल वोटर्स की संख्या करीब 30,000, तो वहीं राजपूत वोटर्स करीब 25,000 के आसपास है। अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या करीब 20,000, प्रजापत वोटर्स की संख्या करीब 8,000 और राजपुरोहित वोटर्स करीब 7,000 और भील वोटर्स करीब 5,000 के आसपास है। वहीं यहां अन्य जाति के वोट भी मायने रखते हैं। जाति समीकरणों की अगर बात की जाए, तो बायतू विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर जाट समाज के प्रत्याशियों पर दाव खेला है। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की, जहां जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कसी है, क्योंकि इस सीट पर जीत उम्मीदवारों के आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। नमस्कार।